वीडियो में मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना है, ना कि किसी नियम के उल्लंघन करने का या किसी प्रतिबंधित चीज को बढ़ावा देने का। तो की हाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनी सौरभ और आप हैं मेरे YouTube चैनल सनी सौरभ टेक्निकल पे। दोस्तों, अभी जो आपने डिस्क्लेमर देखा है वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें बहुत सारे हेट वाले कमेंट आए थे, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। जो पॉन बैन हुआ है मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हम ठहरे टेक्निकल चैनल वाले, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो भी लूप होल है उसको बताना, लोगों तक पहुँचाना, ताकि गवर्नमेंट को अगर बैन करना है तो इस लेवल तक बैन करे कि कोई भी किसी भी तरीके से न देख पाए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको चार तरीके बताए थे कि हम लोग पॉर्न बैन होने के बावजूद भी किन किन तरीकों से पॉर्न वेबसाइट पर जाकर के और आराम से पॉर्न देख सकते हैं, तो वो मेरा वीडियो आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, मैं इसमें आपको दो बिल्कुल ही नए तरीके बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे पॉर्न वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सबसे जो खास बात है वो ये है कि इन दो तरीकों की मदद से आप बिल्कुल ही सिक्योर और बिल्कुल ही रिस्क फ्री होकर के किसी भी पॉर्न वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, मैं आपको बोलूंगा कि आपको जाननी चाहिए यह बात। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको ओपन करना है अपना गूगल क्रोम। आपको वहां पे टाइप करना है VPN फॉर गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला हमें दिखेगा गूगल क्रोम का ही साइट पे, जो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सेटअप VPN, उस पर करना है हमें क्लिक। ये क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब दोस्तों, ये जो इंटरफेस खुला है यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा अभी ऐड टू क्रोम का, आपको करना है उस पर क्लिक। क्लिक करते ही ये कुछ चेकिंग करेगा। चेकिंग करने के बाद हमें एक और ऑप्शन दिखेगा ऐड एक्सटेंशन का। देखिए, यहाँ पर चेकिंग कर रहा है। अब हमें एक और यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। देखिए, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन का हमें ऑप्शन मिल गया। अब इस पर क्लिक करते ही वो जो एक्सटेंशन होगा वो होने लगेगा डाउनलोड। इसे डाउनलोड करते ही आपको एक नया यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये नया ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया। ये रहा सेटअप VPN का, जो हमारा VPN है उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिल गया। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हिंदी यहाँ पर भी, हिंदी लैंग्वेज भी अवेलेबल है। आप यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। इंग्लिश सेलेक्ट करते ही अब आपको यहाँ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपके ईमेल आईडी के थ्रू ओपन होगा। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने पर आपको ईमेल आईडी अपना भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और जो पासवर्ड होगा वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके और पासवर्ड यहाँ फिल कर लिया है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे दुनिया भर की जो भी VPN है वो आपको यहाँ पे मिल गई है। इसमें जो ऊपर की जो चार रहती है वो रहती है बिल्कुल ही मुफ्त, बिल्कुल ही फ्री। बाकी जो नीचे की रहती है दोस्तों वो रहती है पेइंग वाली, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप ये तरीका अपना सकते हो, बिल्कुल ही सिक्योर तरीका है। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने दूसरे तरीके पे। तो दूसरे तरीके के लिए भी हमें जाना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर से हमें ओपन करना है अपना गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है ओपेरा डेवलपर। ओपेरा डेवलपर, ओपेरा डेवलपर पर जाते ही हमें यहाँ पे सर्च करना है ओपेरा ब्लॉग का। देखिए, हम यहाँ पे दिखाता हूँ अभी, ये रहा, देखिए यहाँ पे द ओपेरा ब्लॉग, इस पर हमें जाना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा ओपेरा डेवलपर पेज का, ओपेरा ब्लॉग पेज का। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है इंस्टॉलेशन जो लिंक है वो। यहाँ देखिए, ओपेरा फॉर विंडोज़, यहाँ पे आपको मैक, लिनक्स, हर तरह की जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल जाएगी। तो हमें यहाँ विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है। तो चलिए, हम लोग यहाँ ओपेरा डेवलपर फॉर विंडोज़ पे करते हैं क्लिक। इसे हमें कर लेना है अभी डाउनलोड। कुछ इस तरह से ये डाउनलोड होगा, पहले इसका इंस्टॉलेशन सेटअप। इंस्टॉलेशन सेटअप डाउनलोड होने के बाद जो ये एप्लीकेशन है वो होगी डाउनलोड। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट आपको इसमें लगेंगे, आधे घंटे भी लग सकती है, वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है डाउनलोड। अब हमें जाना है इसको ओपन करके सॉफ्टवेयर को, और हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद, चलिए हम सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में आपको दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब हमें जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सॉरी ढूंढना है VPN। ये रहा हमारा VPN। VPN पे जाने के बाद ये ओपन करना है। ओपन करते ही एक नया यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा VPN का, और आप यहाँ से VPN यूज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ही सिक्योर है।
दोस्तों अभी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ये दोनों तरीके बिल्कुल ही सिक्योर है, क्योंकि हम लोग गूगल क्रोम और ओपेरा बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। और दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो गूगल क्रोम के थ्रू भी आपका डेटा चोरी हो सकता है, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सिक्योर है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप और भी सिक्योरिटी चाहते हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा डाउनलोड कुछ पेइंग VPN। आप कर सकते हो अवेस्ट का VPN बहुत ही अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करे हो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।